हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने टेरेस के कुछ पौधे दिखा रही हूँ। प्यारे प्यारे से उनमें फूल भी आ रहे हैं। और लास्ट में आपको एक दिखाऊंगी, एक पौधा जो घर में बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के हिसाब से हमें उसको लगाना चाहिए, वो इंडोर भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गुलदाउदी। ये रेड कलर की गुलदाउदी है, देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं इसमें। गुलदाउदी कई कलर के होते हैं, ये मेरा रेड कलर का गुलदाउदी है। दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, भीनी भीनी हल्की प्यारी प्यारी सी। ये सीजनेबल होते हैं सर्दियों के। अगला मैं आपको दिखाती हूँ, ये रोज। ये देखिए इनमें कितना वजन हो रहा है, वजन के कारण मुरझा झुक रहे हैं। इतने प्यारे रोज खिले हुए हैं, पिंक कलर के, लाइट पिंक। और ये देखिए इसमें कली भी आ रही है अभी। ये मैंने एक ही गमले में कई सारी तुलसी लगा रखी है, बीज डाल दिए थे। और ये देखिए प्यारा सा सो प्लांट, इसकी पत्ती कितनी प्यारी लग रही है। और दोस्तों, ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट ये भी बहुत शुभ होता है घर में, ऑक्सीजन रिलीज करता है बहुत। एयर को प्योरीफायर करता है हमारे घर की। ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं हमारे स्नेक प्लांट। तो दोस्तों, ये है वो प्लांट जिसके बारे में कह रही थी, घर के अंदर बहुत शुभ होता है। ये है पान का पौधा। ये एक बेल टाइप से होती है, जैसे मनी प्लांट की होती है, उसकी जैसे इसके पत्ते होते हैं। ये हाँ, ये वही पान है जो हम खाते हैं कत्था गुलकंद वगैरह लगा के, पर ये घर में बहुत शुभ होता है। ये हम इंडोर भी लगा सकते हैं, इसको हल्की शेडेड धूप चाहिए होती है, हल्की सनलाइट। तो देखिए दोस्तों, ये हैंगिंग बास्केट है, मैंने अभी इसको टांग नहीं रखी है। ये हम इसको बेल की तरह मनी प्लांट की जैसे लगा सकते हैं। ये घर के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए अभी इसको कैसी है, इसकी बेल लटक रही हैं। ये देखिए इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है, ये नर्सरी से लाई थी मैं, ऐसे ही का ऐसा रखा हुआ है, अपने आप ग्रो कर रहा है। और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी हेल्दी है बिल्कुल। इसको हम एक से दूसरा भी लगा सकते हैं, यहाँ से काट के ये जो नोड वाला हिस्सा है, ये यहाँ से कट करके मनी प्लांट की तरह इसको दूसरा भी ग्रो कर सकते हैं पानी में। वो मैं यदि आपको देखना हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको दूसरी वीडियो में ये ग्रो करके दिखाऊंगी, एक से दो बना के। तो चलिए दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय, थैंक यू।